गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है आपका पहला चैप्टर और पेज नंबर 5 में है, ठीक है। हम आज ये जो लेसन में क्या क्या कवर करेंगे ना, इंट्रोडक्शन क्या है, नेटवर्क क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन, एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसका, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसका कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से क्या फायदा हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट है चैप्टर 1 का, वो और एक दूसरा लेसन में और एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो पहले समझते हैं नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले देखो हमारा जो है ये क्या होता है ना, ये सब आपका डिश एंटीना है, आपका ये ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो डाटा, आपका जो सारे सारे मोबाइल्स क्या होते हैं, जैसे ये डिश एंटीना हो गया, ये किसके साथ ये लिंक है ना, ये मेन अब किसके साथ लिंक है, इसके प्रॉब्लम ये क्या करता है ना, डाटा सेंड करता है। आपका एक मोबाइल फोन है वो क्या करता है ना, इसका डाटा को रिसीव करता है और वर्क सेंड करता है। ये सारे सारे किसके थ्रू में कनेक्टेड है ना, टावर के थ्रू में कनेक्टेड है। जो मतलब आप डाटा सेंड करते हो, पहले डाटा कहां पे जाएगा ना, ये टावर में जाएगा, और टावर सारे सारे क्या है ना, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो उसका मेन ऑफिस होता है, मेन होम होता है, तो वहां उसके साथ क्या है ना, वो सारे सारे कनेक्टेड है बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, इससे इसमें कैसे डाटा ट्रांसफर होता है ना, लाइट जो लेजर लाइट जैसे होता है, और लाइट के थ्रू में बहुत तेजी से इसमें पास करता है, ठीक है। ये जब मेन ऑफिस में पहुंच जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना, एक सेंडर कैंटीना इस टाइप का एक कैंटीना होता है वहां पे, हर मेन ऑफिस में है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये जो डाटा है वो सैटेलाइट को भेज देता है। सेटेलाइट को जब जाएगा, सेटेलाइट क्या होता है ना, आर्टिफिशियली जो ह्यूमन मेड नेचुरल सेटेलाइट एक मून है, ये सेटेलाइट का काम क्या होता है ना, ये डाटा को और रिसीव करेगा, रिसीव करके और एक ऐसे ही और एक दूसरे लोकेशन में ऐसे ही एक क्या होगा, ISP का ऑफिस होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो वहां तक भेज देगा। जब वहां पे पहुंच जाएगा, फिर आपस में क्या है ना, सेमी, ये एक पार्ट है सेमी, यहाँ पे आके ऐसे ही कनेक्टेड होगा ISP के साथ, ये दूसरा एक ISP है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये जो डाटा है आपको सैटेलाइट के थ्रू में ये ISP में पहुंच जाएगा। यहाँ पे जब पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या है ना, सेमी की इसमें क्या अरेंजमेंट होगा, ऐसे अरेंजमेंट होगा कि ये जो डाटा है यहाँ पे केबल में ऐसे कनेक्टेड होगा एक टावर के साथ कनेक्टेड होगा, टावर के साथ आपका मोबाइल कनेक्टेड है। तो जो डाटा आप एक्सेस करोगे कैसे कर सकते हो ना, यहाँ से आपका सेंडर सेट रहेगा, यहाँ पे रिसीवर, फिर वो भी सेंडर हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा, और सारे सारे जो डाटा ट्रांसफर होते हैं वो वेब कॉल में जाते हैं, मॉड्यूलेटेड वेब बोला जाता है, क्योंकि ना मॉड्यूलेटेड क्यों किया जाता है ना, नॉइज नहीं आएगा, एटमोस्फेयर में बहुत सारे नॉइज होते हैं, जैसे आपका विंड का स्पीड वो क्या करेगा, ये जो वेव को ब्रेक कर देगा, ताकि उसमें नॉइज आ जाता है। कभी कभी क्या होता है आपका जो साउंड इको या डबलिंग हो रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है ना, ये नॉइज के वजह से हो रहा है। जब वेव जो मॉड्यूलेटेड नहीं हो पाएगा, उसी टाइम क्या होगा, इसी टाइप का पार्शियली वन साइड सुनाई देगा और वन साइड नहीं सुनाई देगा, ये किसके वजह से हो रहा है ना, आपका नॉइज के वजह से हो रहा है। तो सारे सारे जो डाटा सेंड किया जाता है उसको मॉड्यूलेट करके भेजा जाता है। एक मॉड्यूलेटर है, वो क्या करता है ना, ये जो डाटा जब भेजता है वो मॉड्यूलेट करके भेज देता है, मतलब उसके कवर लगा देता है, वो आपका जो डाटा है वो नॉइज में अफेक्टेड नहीं होगा, वो जब हायर क्लास पढ़ेगा तभी। और ये कंसेप्ट फॉर्म में जाता है ना, वेब फॉर्म में जाता है, सारे सारे डाटा जो ट्रांसफर होता है वो वेब फॉर्म में होता है। उसके बाद हम समझते हैं ये जो इंटरनेट
इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड, सारे सारे जितना भी आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वो इंटरनली आपस में एक नेटवर्क के थ्रू में कनेक्टेड होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा ना, इंटरनेट बोला जाएगा। इंट्रोडक्शन, नेटवर्क रेफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेस। शेयर देयर रिसोर्सेस मतलब आपका जो फाइल्स है, नहीं तो आपका कोई कोई वीडियो है, नहीं तो कोई ऑडियो है, उसको शेयर करोगे आपस में एक नेटवर्क के थ्रू में, उसको क्या बोला जाएगा ना, इंटरनेट। ए नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर, ये नेटवर्क के थ्रू में क्या होता है ना, बहुत सारे लैपटॉप आपस में कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे सपोज लैपटॉप 1 है, लैपटॉप 2 है, लैपटॉप 3 है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, ये यूएसए में है, ये इंडिया में है, और ये सपोज अफ्रीका में है, तो ये सारे सारे किसके थ्रू में कनेक्टेड हो सकते हैं ना, इंटरनेट के थ्रू में सारे सारे आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है ना, ये नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर, ये क्या करता है ना, बहुत सारे लैपटॉप को टाई कर देता है, मतलब एक रस्सी में जैसे बांधते हैं ना, डाला जिसको बोलते हो, मीटर का, इंटरनेट के थ्रू में सारे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाते हैं। व्हेन वी क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जब ये सारे सारे उसको बनाने का डिजाइन हम बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है ना, नेटवर्किंग बोला जाता है। ये है इसका फिगर, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं बताया, सेंडर कैसे होता है डाटा। और है कंप्यूटर नेटवर्क, आप एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो सेमी यहाँ पे क्या रहेगा ना, एक आपका हॉटस्पॉट जिसको बोलते हो, एक हॉटस्पॉट का डिवाइस रहेगा, तो ये क्या करेगा ना, डाटा सेंड करेगा, और सारे सारे इसका रेंज सपोज इतने एरिया तक कवर कर रहा है, ये एरिया में जो सारे लैपटॉप मोबाइल चाहेगा वो क्या कर सकते हैं ना, इसके थ्रू में कनेक्टेड हो सकते हैं। और इसको जो डाटा मिलेगा कहाँ से मिलेगा ना, आपका जो सारे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, ठीक है, वोडाफोन हो गया, ये सारे सारे क्या होते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये जिसके नेटवर्क के साथ ये जो आपका मॉडेम कनेक्टेड है, जिसको हॉटस्पॉट बोलते हो, तो वही डाटा ये सारे सारे मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। देखो, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर शेयरिंग डाटा। कम्युनिकेशन चैनल से हमें क्या होगा, आपका जो मॉडेम जिसको बोलते हो, वो आपको सारे सारे डिवाइस को क्या करता है, कनेक्टेड करते हैं। सारे से डिवाइस को आपस में कनेक्टेड करते हैं, उसके बाद आपका है क्या ना, उसके बाद आपका है क्रिएटिंग कंप्यूटर नेटवर्क। आप कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे बनाओगे, ए नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी साइज, ये मतलब छोटा भी हो सकता है, मतलब एक रूम के अंदर सारे सारे नेटवर्क बनाओगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एक एरिया से एक स्टेट से दूसरे स्टेट का नेटवर्क बनाओगे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तो ये होता है क्रिएटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग फाइल्स। एक रूम के अंदर दो कंप्यूटर होगा और उन्हें आपस में क्या हो गया, डाटा शेयर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, स्मॉल नेटवर्क बोला जाएगा। ए नेटवर्क कैन कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत नेटवर्क के थ्रू में हम क्या करते हैं ना, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्टेड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक होम 1 का, होम 2 का और होम 3 ऐसे ही बनाया हूँ, तो इसी टाइप का बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद द इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो क्या होता है ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्टेड किया है, तो इसीलिए उसको बोला देते हैं क्या बोला देते हैं ना, तो इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है ना, इंटरनेट है। और व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क यूजिंग ए केबल और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, यू बिकेम ए नेटवर्क यूजर एंड ए कंप्यूटर बिकम ए वर्कस्टेशन ऑफ द नेटवर्क। Your workstation has its usual resources called local resources such as local hard drive and a local printer. आप जब मतलब एक रूम के अंदर क्या करते हो
मैक रीडर और नहीं तो क्या क्या कनेक्टेड करते हो, नहीं तो एक प्रोजेक्टर को कनेक्टेड करते हो। तो ये सारे सारे क्या होता है ना, स्मॉल नेटवर्क होते हैं प्लस इसको हम क्या बोलेंगे ना, लोकल रिसोर्सेस बोलेंगे, क्योंकि ना ये बाहर का डाटा रिसीव नहीं कर रहा है तो इसको लोकल रिसोर्सेस बोला देते हैं। सच ए लोकल हार्ड ड्राइव एंड ए लोकल प्रिंटर। योर वर्क स्टेशन कैन ऑल्सो एक्सेस फाइल स्टोर्स ऑन ए फाइल सर्वर एंड मेक यूज अदर नेटवर्क रिसोर्सेस। और ये सारे सारे जो प्रिंटर प्रिंटर का अभी भी ऐसे फैसिलिटी आ गया, वो जो नेटवर्क है तो हमें कनेक्टेड है वो उसका डाटा भी एक्सेस कर सकता है। आपका ये पीसी के साथ सपोज ये प्रिंटर कनेक्टेड है तो क्या करेगा ना, ये पीसी के अंदर जो सारे सारे डाटा है वो जो प्रिंटर है भी वहां से भी ऑप्शन शो करेगा, वो एक्सेस करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के वजह से हमको क्या एडवांटेजेस मिल रहा है। नेटवर्क आर वर्थ द टाइम एंड एनर्जी स्पेंड। ये क्या करता है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस में क्या आता है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस में क्या आएगा ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है ना, आप कोई एक फ्रेंड को फोटो भेजे हो और वो आपको कुछ फोटो भेजेगा, जैसे सुबह में होता है गुड मॉर्निंग, आपको कोई फोटो भेजता है तो आप भी क्या वापस में भेजते हो, फोटो भेजते हो गुड मॉर्निंग बोल के। तो ये क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो किसके थ्रू में कर सकते हो ना, नेटवर्क थ्रू में भी कर सकते हो। इट हेल्प्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज सीडीज, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड मेमोरी कार्ड्स। ये क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू में आप शेयर कर देते हो, तो इसके वजह इसीलिए आप क्या, आपको पेन ड्राइव किंबा सीडी और हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ता है। ये किसके थ्रू में हो जाता है, नेटवर्क के थ्रू में हो जाता है, इसलिए आपका भी कॉस्ट सेविंग हो जाता है और बहुत फास्ट भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक एडवांटेज हो गया। और एक है कॉस्ट इफेक्टिव। आप सपोज हार्ड डिस्क से कॉस्ट इफेक्टिव, आप एक डाटा ट्रांसफर करने के लिए हार्ड डिस्क खरीदोगे तो इसका प्राइस कितना देगा, 1 TB का सपोज खरीदोगे 5,000 के आसपास आ जाएगा, लेकिन इंटरनेट में 10 रुपया रिचार्ज करो तो सेम ही डाटा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक दूसरे के पास भेज सकते हो। तो इसमें क्या हो गया ना, कॉस्ट सेविंग हो गया। सपोज आपका क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दोगे तो बहुत पर्सन इससे क्या कर सकते हैं ना, एक्सेस कर सकते हैं। इसके वजह से हमारा क्या हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन। इंटरनेट के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ और कोई एक फ्रेंड मेरे को वीडियो कॉल करेगा तो क्या है, मैं जो अभी कर रहा हूँ वो उसको देख सकता है, तो इसको क्या बोला जाता है ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट के वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, सपोज इंटरनेट नहीं होता होगा, मैं क्या करना था, मेरा वीडियो बना के फिर उसको पेन ड्राइव या सीडी में भेजूंगा फिर वो उसको देखेगा, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेट की वजह से आप अभी क्या कर सकते हो ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो। और इसके थ्रू में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी एजुकेशन भी दे सकते हैं। कोई मीटिंग, बिजनेसमैन सारे सारे मीटिंग भी किस है ऑनलाइन के थ्रू में करते हैं। जैसे हमारा जो अभी जो कोरोना का ये चल रहा था, WHO के साथ जो मोदी का जो इंटरेक्शन हुआ था किसके थ्रू में हुआ था, ये ऑनलाइन के थ्रू इंटरनेट के वजह से हो रहा था मीटिंग सेमी। उसके बाद इजी एक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन सारे सारे इजी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। मैं जैसे पहले यहाँ पे क्लाउड स्टोर में वन टाइम रखोगे तो क्या बार बार यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इजी एक्सेस एंड मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन, इसको इजीली भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपका शेयरिंग प्रोग्राम्स।
कोई भी एक प्रोग्राम बना के शेड्यूल बना के भी इसमें भेज सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क यूज एन सेंट्रल कंप्यूटर टू वर्क विथ डिपेंडेंट प्रोग्राम एज वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट्स। नेटवर्क मेक्स इंस्टॉलिंग प्रोग्राम सिंपल बिकॉज ओनली वन कॉपी ऑफ प्रोग्राम नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। आपका क्या करोगे, ना एक सेंट्रल कंप्यूटर यहाँ पे है, ठीक है, क्या है ना एक सेंट्रल कंप्यूटर है, और इसके साथ क्या करोगे, ऑनली आपको कीबोर्ड और मॉनिटर कनेक्ट करना है। तो इसमें जो सारे सर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे, जो भी स्प्रेडशीट बना दोगे, तो इसके साथ जितने सारे कंप्यूटर्स, जितने सारे मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स और माउस भी कनेक्टेड है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेमी डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, ना कॉस्ट सेविंग हो गया है। तो एक ही सीपीयू खरीदे हो और थोड़ा वायर खरीदना, और उसके बाद क्या सारे सारे आपस में नेटवर्क बना के कनेक्टेड कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी, बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क यूजर मस्ट एंटर ए यूजर नेम एंड ए पासवर्ड। जब आप इंटरनेट के थ्रू में कोई भी डाटा एक्सेस करते हो तो क्या होता है, आपका एक आईडी बनता है। आईडी बनने के लिए क्या रहता है, यूजर नेम रहता है, यूजर नेम, और उसका डिटेल बनने के बाद आपको एक पासवर्ड भी चूज करना पड़ता है, और आपका आईडी बन जाएगा। यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड सपोज दोनों को एंटर कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो साइट में आप जो भी डाटा रखे हो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, और इसके वजह से और दूसरा कोई दूसरा लोग कोई भी इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके वजह से ये क्या हो गया, मोर सिक्योर हो गया पासवर्ड की वजह से। तो इंटरनेट के थ्रू हम भी पासवर्ड दे सकते हैं। दिस एंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन यूज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क। ऑनली जिसको पासवर्ड और क्या करोगे, यूजर आईडी और पासवर्ड दोगे, वो क्या कर सकता है ना, आप जो डाटा स्टोर किया हो उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड अलाउज द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन हु यूज्ड कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क हैव बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ये भी मोर सिक्योर हो गया। दिस सिक्योरिटी प्रोग्राम्स मॉनिटर एंड रिपोर्ट एनी abnormal activities on a computer network to the network administrator. Network can be set up the refute access to anyone who enter an incorrect password. Suppose आप क्या करोगे ना, यहाँ पे incorrect password दे दोगे तो ये क्या करेगा ना, block कर देगा आपका साइट को। उसके बाद जो पर्टिकुलर यूजर है वो फॉरगेट पासवर्ड करके फिर पासवर्ड रिकवर कर सकता है, लेकिन और दूसरा पर्सन कोई इसको रिकवर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन इसको यूज नहीं कर सकते हैं विदाउट, मतलब रॉन्ग पासवर्ड देते हैं। जब पासवर्ड रॉन्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और दिस डिस्करेजेस द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क। अब बार बार सफर रॉन्ग पासवर्ड आएगा तो आप रॉन्ग पासवर्ड शो करेगा, आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे। और आपको रॉन्ग पासवर्ड मतलब बार बार कितने बार कोशिश कर सकते हो, जितने बार भी कोशिश करेगा वो क्या बोलेगा, रॉन्ग 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 रॉन्ग। तो इसका अनऑथराइज्ड पर्सन इससे क्या कर सकते हैं, ना डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये है मोर सिक्योर, ये था आपका नेटवर्क। देन जो रेस्ट है नेटवर्क आर्डर है उसको हम और एक लेसन बना के इसमें भेज दूंगा, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन दिया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, और ये दोनों का क्वेश्चन आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you.